जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फोर एग्जाम में स्वागत करता दोस्तों। तो दोस्तों आज भी फिर से प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, जो कि उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए, पूरा का पूरा व्यू कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और आज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन, किसी निश्चित धनराशि पर दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपए है और साधारण ब्याज 300 रुपए होता है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए दोस्तों, यानी दर निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, ना डिफरेंस निकाल लेना है, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज पर यानी सीआई और एसआई का अंतर निकालना है दोस्तों। तो चक्रवृद्धि ब्याज का दिया हुआ है 309 और सीआई का दिया हुआ है 300, तो दोनों का अंतर कितना हो रहा है, ना 9, ठीक है। और दो साल का ना टू ईयर का एसआई दिया हुआ है दोस्तों 300, ठीक है। तो दो साल का एसआई दिया हुआ है 300, ठीक है। तो क्या करना है, ना सबसे पहले एक साल का एसआई निकालना है, तो एक साल का मतलब दो से भाग देंगे कितना हो जाएगा, ना 150 का एसआई हो जाएगा 150, ठीक है। तो क्या निकालना है दोस्तों, ना आर का प्रतिशत निकालना है, तो अंतर कितना दिया हुआ है, ना 9 का, और डिफरेंस कितना एसआई कितना है, ना 150 गुना यहाँ 100 हो जाएगा, तो ये आर का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। ये जीरो इसके साथ कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 2 10, और ये कट जाएगा 3 बार में 3 3 9, तो क्या हो जाएगा, ना 3 × 2, तो 3 × 6 जो परसेंट होगा, ऑप्शन नंबर आर प्रतिशत निकल जाएगा इसका, और आर प्रतिशत का मान दिया हुआ है 6%, ठीक है। यही दर निकालना था, यही होगा इसका ऑप्शन नंबर, होगा नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह से आप इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो दोस्तों, यदि कोई राशि 20 वर्ष में चारगुनी हो तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। क्या है ना, सबसे पहले पी लेना है, आर ये हो गया, टी एसआई और ए, तो P का मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है तो 100 मान लेते हैं, ठीक है। और R का मान क्या है दोस्तों, तो R को R लिख देते हैं, और T का मान दिया हुआ है 20 वर्ष में अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया जमा करते हैं, तो यह 20 वर्ष में कितना गुनी हो जाती है, 20 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, यानी मिश्रधन जो है वह 400 हो जाता है, तो इसमें एसआई कितना होगा, ना 300 होगा, क्योंकि 100 जमा किए थे, 400 दिया, इसमें कितना ज्यादा है, ना 300 ज्यादा है, तो 300 इसका एसआई हो गया। तो एसआई का फॉर्मूला हम लोग पढ़े दोस्तों, ना एसआई इक्वल टू आर मल्टीपल टी, क्योंकि अगर यहाँ पी का मान 100 रखते हैं और नीचे 100 होगा तो 100 से कट जाएगा, इसलिए डायरेक्ट एसआई लिखते हैं, आर टी लिखते हैं, ठीक है। और एसआई का मान कितना निकला दोस्तों, ना 300, और आर का मान कितना है, नहीं है, तो इसको ऐसे रखना है, और टी का मान कितना है, ना 20, तो लिख देंगे 20। अब ये जीरो इसका सत कर जाएगा, ये तो इसके सत कर जाएगा 15 बार में, तो R का मान निकल जाएगा ना 15%, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो डी, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से। क्वेश्चन में क्या था कि 10 राशि, तो 100 का राशि 20 वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से, तो कितना प्रतिशत की दर से, ना 15% की दर से 20 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, तो यही निकालना था दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीन दोस्तों, रुपए 2400 का ऋण अवधि की समाप्ति पर रुपए 3264 की राशि देकर चुकाया जाता है, वर्षों की अवधि और ब्याज की दर अंकित रूप से बराबर है, तो साधारण ब्याज की दर निकालना है दोस्तों, ठीक है। इसको निकालने के लिए रूल्स वही रूल्स लगाएंगे, न क्या है ना, पी का मान ये हो गया, आर का मान यहाँ, टी यहाँ, एसआई और ए, ये इस बार लिखते हैं इसी तरह से, जिसमें से इस बार P का मान दिया हुआ है दोस्तों और मिश्रधन भी दिया हुआ है, तो P का मान दिया हुआ है दोस्तों ना 2400 और मिश्रधन हो जाता है, यानी मिश्रधन का मान भी दिया हुआ है, कितना है ना 3200, तो कितना दिया हुआ, ना 64 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या है ना, दर और समय इसका दोनों का बराबर होना चाहिए, तो यहाँ एक्स, इसको भी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो एसआई यहाँ क्या हो जाएगा, ना एसआई का फॉर्मूला हो जाता है ना ए माइनस पी, तो ए का मान कितना है ना 3264 माइनस पी कितना है ना 2400, तो घटाने पर कितना आएगा ना 864 आएगा, ठीक है। तो ये एसआई का मान यहां निकल जाएगा 864, ठीक है।
तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा बेसिक फॉर्मूला, क्या बताए थे ना, SI इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो यहाँ पी का यूज क्यों किया दोस्तों, क्योंकि पी का मान 2400 था इसलिए ऐसा किए। अगर यहाँ 100 मानते थे तो ये पी 100 और 100 कट जाता था, इसलिए इसमें यूज नहीं करते थे, ठीक है। तो इसको काट देते थे, आर टी का यूज करते थे, लेकिन इस बार पी का मान दिया हुआ इसलिए ऐसे लिखे हैं। अब SI का मान कितना दिया हुआ है ना, 864 रुपया दिया हुआ है, और P का मान कितना है ना 2400, तो लिखेंगे 2400 गुना R का मान X और T का भी मान X है, तो X मल्टीपल X, ठीक है, बाय कितना होगा ना 100, ठीक है। अब क्या कर रहा है दोस्तों, ये 2 0 2 0 कट जाएगा, ठीक है, सकते हैं इसको ना 6 से काट सकते हैं या 4 से काटते हैं, तो कितना हो जाएगा ना 4 6 24, और यहां से 4 से काटेंगे 4 2 8, 4 4 4 6 24, ठीक है। अब ये 6 से कटेगा ना 6 18 6 6 36, यानी आ गया 36 आ गया, और यहाँ क्या रहा ना x और x रहा, यानी x का स्क्वायर रहा दोस्तों, ठीक है। अगर x का स्क्वायर इधर कर देते हैं तो रूट चल जाएगा, यानी x इक्वल टू अंडर रूट 36 हो जाएगा, और अंडर रूट 36 का कितना होगा ना वर्गमूल 6 होगा, यानी x का मान 6 होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया था कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो ब्याज की दर को हम लोग क्या माने थे, r इक्वल टू x माने थे, तो r का मान आया x, x का मान कितना आएगा ना 6, तो 6% हो जाएगा इसका दर, ऑप्शन नंबर इसका होगा ए। अगर समय बोला जाता है तो समय का भी मान होगा ना 6 ईयर होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ दर निकालने के लिए बोला गया था, तो दर होगा 6% और समय भी होगा, दोनों का समान माने थे तो समान मान भी दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, रुपए 800 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए 956 हो तो दर ज्ञात कीजिए, यानी दर निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो क्या है ना पी का मान, पी आर टी SI और ए, ठीक है, ये मानना है, जिसमें से P का मान दिया हुआ है और A का भी मान दिया हुआ है, दोनों लिखते हैं। तो P का मान दिया हुआ है 800, तो 800 लिख दिए, और समय का मान दिया हुआ है 3, और यहाँ दर यही दिया हुआ है मिश्र धन कितना 956 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ SI कितना हो जाएगा ना, इससे घटा करके यहाँ लिखेंगे तो SI निकल जाएगा 156 हो जाएगा SI। तो SI का फॉर्मूला क्या पड़े थे ना, पी मल्टीपल आर मल्टीपल टी बटा 100 होता है दोस्तों, तो 156 SI का मान 156, तो 156 लिखेंगे, P का मान 800, तो 800 लिखेंगे, गुना R का मान नहीं है तो इसको ऐसे रखना है, और T का मान कितना है ना 3/100 हो जाएगा, ये जीरो के साथ कट जाएगा, ठीक है। आप 3 से काट सकते हैं, 3 5 15 और 3 2 6, ठीक है। आप काट सकते हैं 4 2 से काट सकते हैं, 4 से काटो 4 2 8 हो जाएगा, और 4 4 4 4 12 हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 को R से मल्टीपल करेंगे तो 2R हो जाएगा, और यहाँ 13 रहा तो 13 हो जाएगा, तो R इसका लो क्या हो जाएगा ना 13/2, और जब भागा देंगे तो 6.5 इसका परसेंट होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से R का मान निकाल सकते हैं इजी से और आसान से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, वह साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें जिस पर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो क्या लेना है ना, पी आर टी SI ए, ठीक है। तो P का मान लेते हैं 100, तो क्या लिखा हुआ है ना 10 वर्ष में क्या 5 गुनी हो जाती है, तो यहाँ 5 गुनी मतलब 500 लिखेंगे, और जब यहाँ 100 था 5 गुनी हो गई मतलब SI कितना मिल रहा है ना 400 हो जाएगा। तो SI का फॉर्मूला पढ़े थे आर टी, ये R इंटू टी होगा, क्योंकि यहाँ P का मान लेंगे तो P का मान 100 दिया हुआ है, नीचे 100 होता है 100 से कट जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो SI का मान कितना है ना 400 लिखेंगे, 400 बराबर R का मान कितना है नहीं है ऐसे जाएगा, T का मान कितना है 10, तो 10 लिखेंगे, ये जीरो के साथ कट जाएगा, तो R का मान कितना हो जाएगा ना 40, और 40% होगा इसका ऑप्शन नंबर इसका होगा ए। तो इसको इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं बाय रूल्स, ट्रिक फॉलो कीजिएगा, हर क्वेश्चन आप इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए, इसी तरह का वीडियो और मजेदार क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में सिलेबस क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। आज लेता ही, जय हिंद जय भारत।